कम दाम उत्तम काम, आधुनिक तकनीक और आधुनिक उपकरणों के साथ लाइट फिटिंग, नल फिटिंग के बेहतर काम के लिए और सभी प्रकार के विद्युत संबंधी कार्यों के लिए संपर्क करें चौबे इलेक्ट्रिकल एंड प्लम्बिंग जरुआखेड़ा। मोबाइल नंबर 88 21 84 39 22। 26 नवंबर को डॉक्टर हरीसिंह गौर की 153वीं जयंती को गौरव दिवस के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाया गया था, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में तीन बत्ती पर आयोजित गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर डॉक्टर गौर की प्रतिमा के रंग रोगन के साथ इसके आसपास आयोजन के चलते जगमगा करती आकर्षित लाइटिंग, साज सज्जा और आतिशबाजी के नाम पर एक बड़ी राशि भी खर्च करते हुए आयोजन को भव्यता के साथ मनाया गया था, जहां आयोजन में शामिल मुख्यमंत्री सहित अन्य अतिथियों ने इस अवसर पर डॉक्टर हरीसिंह गौर के प्रति अपनी गहरी आस्था जाहिर करते हुए उन्हें नमन स्मरण भी किया और मुख्यमंत्री ने तो तीन बत्ती को सागर की शान भी करार दिया। पर वही तीन बत्ती पर आयोजन के अगले दिन का स्वरूप देखकर शहरवासी दंग रह गए और तीन बत्ती स्थित उसी डॉक्टर साहब की प्रतिमा और उसके आसपास शाम होते ही नजर दिखाई देने वाले अधेरे रूपी साम्राज्य पर अप्रशासन और शासन के नुमाइंदे के बड़े बड़े दावों पर चुटकी लेते नजर आ रहे हैं। जहां गौर साहब की प्रतिमा के पास छतरी में लगी लाइट तो बंद दिखाई दे रही, यहां पर रोशनी के लिहाज से पास लगी हाई मास्क लाइट का भी आयोजन के बाद से कहीं अतापता नहीं, जिसके कारण शाम के समा के जोर पकड़ते ही प्रकाश व्यवस्था नहीं होने से अंधेरे अपना पैर पसारते नजर आ रहा है। आसपास स्थित दुकानों की रोशनी के कारण जरूर थोड़े समय की राहत मिलती है, पर जैसे ही वह बंद हो जाती है पूरे क्षेत्र में अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगता है। बीते दो दिन से ऐसे ही हालात में सागर के गौर साहब की प्रतिमा अंधेरे से घिरी दिख रही है, जिसकी सुध लेने का अब तक किसी ने प्रयास भी नहीं किया। जहां मामले में बने हालात पर शहर के वासी अब जिम्मेदार को आईना दिखा खूब कोस रहे हैं। तो ये तो गलत है कि जैसे ही शिवराज जी यहाँ से गए और ये लाइट बंद हो गई, ये नहीं होना चाहिए। बताइए गलत कह रहा हूँ? नहीं, तीन दिन पहले यहाँ पर इतनी रंग रोगन थी, यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि दिवाली मनाई जा रही है, गौरव उत्सव हो रहा था। आज तीन दिन बाद आपको दिख रहा है क्या नज़ारा है? सही कह रहा है आप, वो तो मैं खुद देख रहा हूँ। क्या है, कम से कम लाइट तो चालू होना थी गौर साहब के यहाँ की। जैसा कि आप जानते हैं, तीन दिन पहले गौर दिवस था, जो कि सागर का बहुत बड़ा पर्व है। हम मानते हैं कि ये बहुत अच्छा पर्व है, इसको मनाना चाहिए। मगर जिस तरह से हमारे सागर में इस पर्व को मनाया गया वो उचित नहीं है, क्योंकि इस पर्व को हम मनाने के लिए किसी ग्राउंड में भी मना सकते थे। ये थोड़ा सा, और आप कह रहे हैं कि ये हमारे गौर बाबा जो तीन बत्ती पे विराजमान है, तो तीन दिन पहले यहाँ पे बहुत रंग रोगन थी और यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी भी आए थे और भी उनके साथ सारे भाजपा के नेतागण थे। तो तीन दिन पहले यहाँ पे ऐसा माहौल था कि आप ये समझो कि आप वाकई में कहीं विदेश के कोई बहुत बड़े कार्यक्रम में। हमारा तीन दिन बाद आप इस कार्य के यहाँ पे आके देखेंगे तो स्थिति बहुत गड़बड़ है। तो यहाँ आप जहाँ पे एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ पे आप एक ये चीज़ देखेंगे कि सागर की सड़कें CM साहब के आने पे जो सड़कें ये पूरी उखड़ी पड़ी थी, गड्ढे से भरी पड़ी हुई थी, उनको CM साहब के आने पे उन पे मुरम बिछा दी गई। उनका मतलब आप सिर्फ एक उनको दिखावे के लिए सिर्फ चीज़ें बना दी गई, एक्चुअल में ये कुछ नहीं है। अगर वो इस चीज़ का जायजा लें, इसका पता करें, ये एक्चुअल में ये सड़कें नहीं हैं, इसको सिर्फ उनको दिखावे के लिए बना दिया गया है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आज से तीन दिन पहले डॉक्टर सरहरी सिंह गौर की जन्म जयंती मनाई गई सागर में। वो बहुत ही अच्छे तरीके से मनाई गई और हमें खुशी है ऐसे ही हर साल उनकी जन्म जयंती मनाई जाए सागर में, बहुत अच्छा है। और मैं बस इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए थे तो उनके आने से दिक्कतें तो कुछ नहीं जा रही, हाँ, बट यही बुरा लग रहा है देख के कि जो गौर साहब जो जिनके कारण आज सागर का नाम है मतलब ऊंचाइयों पर है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिनके करकमलों के द्वारा सागर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो बस यही लग रहा है कि मतलब सिर्फ एक दिन के लिए ही मतलब यहाँ पे रोशनी और धूमधाम पटाखे और मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा, जैसे सागर स्मार्ट सिटी बनाई गई उसमें बहुत सारी लाइट लोगन लगा दी गई, तीन बत्ती पे लगा दी गई, परकोटा पे लगा दी गई, बहुत सारी जगह बहुत सारे नए नए डिज़ाइन की चीज़ें लगाई, ये एक टेम्परेरी चीज़ें बनाई गई। आप इसको एक बरसात के बाद आप इसको जंग लगी पाएंगे, ख़त्म हो जाएगा।
बात सीधी ये है कि इनने बिजली के लिए खम्भे तो लगा दिए मगर उन पर मोमबत्ती लगाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं इस बात, इनने ये कहानी अपनी मतलब सुलझाई है, इसको अच्छे से नहीं निभाया स्थिति।